मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज संडे हो गया है और तारीख हो गई 13 तारीख, और फरवरी का महीना चल ही रहा है, फटाफट दिन भी बीत रहा है। और ये मौसम जो है, मतलब कि न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है, एकदम नेचुरल मौसम लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। बस ये क्या है कि हवा चल रहा है, हवा से क्या होता है ना, शरीर फटता है, ये होता है वो होता है। तो संडे हो गया है और मैं सब लोग सो ही रहे हैं, अभी देख सकते हैं बच्चे उस रूम में भी सो रहे हैं और उधर किट्टू अमित लोग भी सब सो रहे हैं। तो मेरा जल्दी नींद खुल गया तो हम उठ गए, तो पतिदेव उठ गए हैं, नीचे गाड़ी वाड़ी साफ करने गए हैं, उनको अपना काम है तो जाएंगे ही, ड्यूटी करेंगे ही। तो मैं किचन में आ गई हूँ और सर्दी अब जा रही है, तो हमने सोचा कि एक बार आप लोग कमेंट मत करना कि आपके घर में निमोना पोहा यही सब बनता रहता है, क्या करें, अच्छा लगता है, हमारे घर में लोगों को पसंद है तो बनाती हूँ। तो देख सकते हैं जो कल हमने मटर छीला था बहुत सारा किट्टू के साथ, तो यहाँ पर हमने मटर छील लिया है। मैं जाऊँगी नाश्ता में बनाऊँगी पोहा और चाय तो बनाएंगे ही। आज पति जी को लंच नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम संडे हैं और 9:30 बजे सोकर उठे ही हैं, तो नाश्ता बना देंगे, बाहर से कुछ लंच ले लेंगे, पोहा घर ज़्यादा बना देंगे, क्या पता वही लेके चले जाएंगे या बाहर से कुछ ले लेंगे। रोज़ तो वैसे लंच बनाकर ले लेते थे, लेकिन हम कहे कि आज मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है, तो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। मटर छील लिए हैं, एक तब चाय रखेंगे, एक तब पोहा जल्दी जल्दी बनाएंगे क्योंकि अभी वो आएंगे, नहाएंगे धोएंगे बोलेंगे बना नहीं। तो गाइस ब्लॉग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। वंदना जी किचन में आ गई हैं और क्या क्या बना रही हैं आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ भी क्या हमसे पूछे, हम बता चाय रखी। अच्छा आप बताओगी, हम नहीं बताएंगे। आपको क्या पता कि मैं क्या बना रही हूँ, आपको मालूम? पूछूंगा ना मैं मैं पूछूंगा, चाय तो पता है कि चाय बन रहा है, इसके बाद ये पूछूंगा क्या बना रही हो, अब बता दो क्या बना रही हो। वैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपके आने से पहले, जब गाड़ी साफ कर रही थी। अच्छा वही हम क्या आज लंच में नहीं देंगे, पोहा बनाएंगे क्योंकि लेट से सोकर उठे ही हैं। नाश्ता कर लीजिए बाहर, कुछ खरके खा लीजिएगा खाना पीना। आज संडे था, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी सोचा कि लेट ही उठता हूँ, क्या करूँगा सुबह जाके। और एक तरफ मैंने इधर चाय रख दिया, अभी अदरक रेत के डालेंगे। इधर देखिए पोहा बना रहे हैं, पोहा बनाने के लिए ये आयल गर्म हो गया, जीरा इसके अंदर डाल दिए है। लोग बोलते हैं जीरा मत डालो, लेकिन गाइस अलग अलग पसंद होता है, अलग अलग स्वाद होता है, लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो यहाँ तेल गर्म हुए, जीरा डाल दिए थे, देखिए यहाँ लहसुन लहसुन प्याज अदरक का मैंने बारीकी बारीकी काट लिया है, इसके अंदर ये ऐड करने जा रहे हैं। अब बस पोहा बनाएंगे, अब सीजन अब जा रहा है, ठंडी जा रहा है, अभी बना कर खा लेते हैं, नहीं तो फिर तरस जाए। हाँ, तो नहीं ये होता कि और खा लेते यार। हाँ अभी मटर है, मटर धुलकर डालेंगे, अब खा कर बताइएगा। और राइस, अरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ब्लॉग क्या बनाए अभी, जैसे गांव में रहता था, इतना बड़ा सा घर रहता था, कंटेंट मिल जाता था, फैमिली थी पूरी, फैमिली थी, कुछ ना कुछ करते थे और टाइम बीत जाता था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब इनसे बोले कि आज छुट्टी ले लीजिए, कहीं चलिए हल्का फुल्का इधर उधर कहीं घुमा दीजिए, जी आन मान हो जाएगा, सुन ही नहीं रहे तो क्या करें, पता नहीं कैसे हैं ये। और मैं भी सुबह सुबह निकल जाता हूँ, इनको और भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं घर पे होता तो इनको और भी ब्लॉग बनाने का मौका मिल जाता है। और क्या ब्लॉग, जब मैं चला जाऊंगा तो किसके साथ ब्लॉग बनाएंगे, हम दोनों रहते हैं तो ये हमारे में, हम इनके में ब्लॉग बनवा देते हैं, मिलकर बनाते तो अच्छा भी लगता। अब अकेले क्या, कैमरे के सामने पप 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 करें, और गाँव में रहते थे सासू माँ के साथ, सबके साथ बातें साथे करते थे, बन जाता था। और इतना बड़ा घर था कि ऊपर नीचे आते जाते एक ब्लॉग तो टाइम बीत जाता था। हम लोग मौका ढूंढते थे कि थोड़ा सा आराम मिलने, हाँ। हम लोग को टाइम को 4 बजे के बाद ही टाइम मिलता था, तो जाकर थोड़ा सा आराम करते थे, फिर चाय का टाइम हो जाता था। वैसे हमारे ससुराल में जब हम लोग नहीं रहते हैं तो 3 बजे 2:30 बजे सब लोग चाय पी लेते हैं, अब हम लोग के जाने के बाद सब 5, 5:30, 6 बजे लोग चाय पीते हैं, और अच्छा लगता है बहुत, और बहुत ही मजा आता था घर पे। कब टाइम बीत जाता था पता ही नहीं चलता, ये तो
दिन थोड़ा और बड़ा हो जाए। कल सासू वहाँ से बात किए थे तो करें क्या करोगी, परिवार है, मोह माया है, ऐसे वैसे हम ठीक सही कह रही है, इसीलिए ना कहीं जाओ ज्यादा दिन के लिए ना जाओ, एक दो दिन के लिए जाओ फिर घूम के चली आओ, वो सही है। मैं पहली बार इतना दिन रही हूँ यहाँ, तक अमित के साथ में भी गए थे तो इतने दिन नहीं, तो हम भी तो थे क्या, हम तुमसे ज्यादा रहे हैं। अरे आपका तो घर ही है जी, घर ही है तो हम भी कहाँ रहते हैं इतना दिन, जब से दिल्ली है 10 दिन 15 दिन 12 दिन इससे ज्यादा नहीं। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करें, और मेरे मायके में सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख देख के वो हो रहा है, लेकिन क्या करेगा, इस जाने का मन तो कर रहा है लेकिन फिर है ना हम चले जाएंगे बच्चे भी दोनों साथ में जाएंगे और ये अकेले यहाँ रह जाएंगे, खाना पीना की दिक्कत हो जाएगी। हम तो इनको बोले थे रुक जाओ होली बाद आना, लेकिन मेरा कहना नहीं मानी, अब यहाँ आके पछता रही है, सोच रही है रुक जाते तो अच्छा रहता। तो आप फिर मुझे कौन सा अगर आप झंडा ऊपर उखाड़ ले रहे हैं पहले ये बताइए, झंडा ये नहीं, कब पति के साथ में रहोगे, अकेले भी रहना सीखो। नहीं कौन सा आपका खुद का बिजनेस है कि आपका बहुत लॉस हो जा रहा है, पहले ये बताइए। ये नहीं मैं जो कह रहा हूँ, अकेले भी पति के रहना बिना सीखो, क्या सीखे, शादी करना, शादी किए इसलिए किए हैं क्या, मान लो कभी हम विदेश चले गए तो मैं अकेले विदेश जा रही है। एक बात बोल रहे हैं, जैसे लोग सऊदीया चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, सऊदीया विदेश जाने, पासपोर्ट पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, आपका जब बनना ही नहीं तो ऐसे ही चले जाओगे क्या उखड़ कर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्याज लाल हो गया, चाय गलती है, मैं मटर मतलब धो लेती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, फिर आगे दिखाएंगे हम लोग, हम भी थोड़ा नहा लेते हैं फटाफट जल्दी से, एक ही फोटो निकाल लो। तो गाइस जानते हैं हम लोग ये वाला अरे दिल्ली में मार्केट वाला जैसे कि पैकेट वाला पोहा यूज करते हैं, और गांव में क्या होता है ना घर वो दुकान से खरीद कर आते हैं खुला वाला पोहा, जिसको अच्छे तरह से झाड़ना बिगड़ना बीनना टकरा निकालना, लेकिन उसका स्वाद कुछ अलग होता है और इसका स्वाद कुछ अलग होता है, क्योंकि ये फ्रेश होता है, और बस क्या करना हल्का सा धो लो पानी डालकर। और गाँव वाले में तो बड़ा मेहनत लगता है पोहा बनाने में, चूड़ा झाड़ो, ये करो वो करो, सफाई करो, फिर जब धो लेंगे खूब काला काला गंदगी निकलता है पोहा में से, वो देसी चूड़ा होता है, ये विदेशी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने प्याज मटर वगैरह सब डाल दिया है, चूड़ रहा है, पक रहा है, जब मटर हल्का पक जाएगा इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। वैसे बहुत लोग गर्म मसाला बनाते हैं, बहुत लोग सादा खाते हैं, और हम तो वही भैया वाला नाम जो है वही मसाला बनाएंगे। चाय हमारा पक के रेडी हो गया है, पहले चलते हैं ब्लॉग बने रहिए, करने के बाद हम मिलते थोड़ी देर में। तो सो गाइस हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए, संडे का दिन है तो इतना कपड़ा फैला हुआ है देख सकते हैं, सर्दी वाला गर्मी वाला, तो कुछ जो मतलब कि जो सर्दियों में ज़्यादा कपड़ा हम निकाले थे उसको मैं सोच रही फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फैला है अच्छा भी नहीं लग रहा है, एक आध दो बस निकाल लेते हैं कपड़ा सर्दी वाला, अगर सब उठा के रख देते हैं तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, आज तो लग रहा है सारा दिन हमारा कपड़ा ही फोल्ड करने में चला जाएगा। तो जो सर्दी वाला कपड़ा है बैग के अंदर डाल देंगे फोल्ड करके सब कुछ, और गर्मी वाला कपड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा फैला रहेगा अच्छा भी नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा बच्चों का है, ऋषभ का है, सोनाक्षी का है, बच्चे भी इधर देखिए, बच्चे लोग उधर खेल कूद रहे हैं, देखिए कितना कपड़ा, बाप रे बाप, इधर मेरा ही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कपड़ा रखूं कौन सा निकालूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ समझ है। अभी रुको मैं देख रही हूँ जो पहनना है, पहले ने जो खराब हो गया कपड़ा निकाल के फेंक देते हैं सब, रखने का जगह ही नहीं है, फटा कुछ नहीं, सब छोटा हो गया है। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के अंदर, मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस हमारा सारा काम मतलब कि आज मैंने क्या क्या किया, जितनी सर्दी में सारे कपड़े वगैरह था सब मैं उठा के बेड के अंदर रख दिया, और 3 बैग मैंने कपड़ा निकाला, स्वेटर था, कुछ ऐसे पैंटे थे, कुछ बहुत सारे कपड़े थे, मैं बता ही नहीं सकती है, बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं मैंने उसको निकाल दिया है कहीं, जैसे किसी जाएंगे जैसे कि वहाँ पर कहीं मजार वजार पे जाएंगे तो बाहर लोग रहते हैं ना, तो मैं उनको दे दूंगी पहनने के लिए। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, मेरा हो गया, ऋषभ हो गया, सोनाक्षी हो गया, पतिदेव का हो गया, और बहुत सारे 2-3 के बैग था जो चैन वगैरह ख़राब हो गया, तो मैंने उसको भी निकाल दिया है। तो ये इवनिंग का समय है, 4:10 हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब हाँ इवनिंग का समय होने वाला है, तो यहाँ पर बच्चे को मैंने मैगी बना कर दिया है, खा रहे हैं,
और मैं भी तैयार हो गई हूँ और फिर सारा रूम की साफ सफाई हो गए हैं, देख सकते हैं पूरा। धूप तो हमारे रूम तक आने लगने लगा है न बेटा, आराम से। और ठंडी थोड़ा कम हो गई, मौसम अच्छा हो गया है, अच्छा भी लग रहा है। तो गाइस ये सब बैग कहाँ रखे, जगह ही नहीं है कहाँ रखे, ऊपर भी सब भरा हुआ है, जगह ही नहीं है। और रूम भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है अच्छा सा रूम, बहुत दिमाग टेंशन में है, कहीं जल्दी से रूम मिल जाए, हम लोग अच्छे जगह शिफ्ट हो जाए। तो गाइस मेरा लड्डू खाने का मन कर रहा था, ये मोम का लड्डू है। आप लोग बोल रहे थे कि कोई पूछ रहा था, मतलब काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मोम के लड्डू कैसे बनता है, रेसिपी बनाई। ये हमारे सासू माँ, मैं ससुराल से लेकर आई हूँ, मकर संक्रांति पे बनाई थी एक कंडाल भर के, सोचो इतना हम उठा कर लेकर आए थे। बहुत सारे को, मतलब मामी जो मुंबई से आए थे उनको भी दी थी, और इतने दिन हम लोग घर पे थे, खाते थे, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हमने बोला चलिए मैं आप लोग को फिर दिखा देती हूँ मूंग का लड्डू। फिर जब हमारी सासू माँ अगली बार बनाएंगी तो मैं इसका मतलब कि पूछ के बता दूंगी कैसे बनता है। लेकिन जानते हो हम बनाती हैं, बहुत लोगों को आता है, लेकिन अरे बांधना करना एकदम टूटता फूटता नहीं है सब, मुझे पता है क्या क्या पड़ता है क्या क्या नहीं, लेकिन बांध नहीं पाती हूँ। एक बार हम सूजी का लड्डू बना रहे थे, पत्थर हो गया था, तो तब से मैंने कान पकड़ लिया कोई नहीं लड्डू वगैरह बनाते। तो हमारे सासू माँ के हाथ का बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गाइस यही हमारी छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।